गुड इवनिंग दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 29 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स के क्विज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व राजस्व और व्यय सचिव का नाम क्या है जिनको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अजय नारायण झा, राजीव कुमार, नीरज कुमार गुप्ता, अरविंद सुब्रमण्यम, एन के सिंह। तो एन के सिंह इज़ द राइट आंसर। वहीं दोस्तों कुछ और देखते हैं, केंद्र सरकार ने योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे में एन के सिंह पर आयोग की अन्य जिम्मेदारियों के अलावा जीएसटी के केंद्र और राज्य की पूंजी पर असर के आकलन की भी जिम्मेदारी होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, किसको एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला, राजीव बंसल, सुधीर शर्मा, उमेश सिंह, विनय कुमार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रदीप सिंह खरोला इज द राइट आंसर। है दोस्तों कुछ और देखते हैं, केंद्र सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पिछले 3 महीने से एयर इंडिया के अंतरिम CMD रहे राजीव बंसल के स्थान पर खरोला को नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले प्रदीप सिंह खरोला बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। है दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, किसको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है आकाश शर्मा, अंशु सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह, हिमांशु यादव, धर्मेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड उपेंद्र प्रसाद सिंह इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं, श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर हैं, को जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर अमरजीत सिंह की जगह लेंगे जो 30 नवंबर 2017 को रिटायर्ड हो रहे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसने 15 फ्रेम IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हमारे पास ऑप्शन है डिंग जुन हुई, पंकज अडवाणी, मार्क सेल्वी, माइक रसेल, अमीर सारखोश। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड पंकज अडवाणी जो इंडिया से हैं इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं, भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान के अमीर सरखोश को हराकर एक और विश्व खिताब अपने नाम किया है। फाइनल के मुकाबले में अडवाणी ने 8-2 से जीत दर्ज करके अपना 18वां विश्व खिताब जीता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, किस बैंक ने 5 वर्ष में भारत के समावेशी आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिए $20 अरब का ऋण देने का प्रावधान किया है। हमारे पास ऑप्शन है ADB, IMF, विश्व बैंक, NDB, EDB। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ADB इज़ द राइट आंसर। ADB का मतलब है एशियाई बैंक विकास बैंक, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आज का जो सिक्स क्वेश्चन है वो है, किसको ICCR प्रतिष्ठित आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे पास ऑप्शन है ताकाहाशी सातो, काटो योशिदा, नाकामुरा अबे, तनाका अबे, हिरोशी मारुई। तो ऑप्शन नंबर लास्ट हिरोशी मारुई इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 3रे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR के प्रतिष्ठित आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से जापान के प्रोफेसर हिरोशी मारू को सम्मानित किया है। 40 वर्ष के मारुई ने भारतीय दर्शन और बौद्धिक अध्ययन पर काम किया है। वह जापानी और भारतीय बौद्धिक अध्ययन संस्थानों के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने जापान में इडोलॉग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कुछ निकल के आता है जैसे जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो है। इडोलॉग भारत के इतिहास, संस्कृति, भाषाओं और इतिहास का अध्ययन करना कहते हैं और ये एशियाई अध्ययनों का एक सबसेट है। पहला ICCR पुरस्कार 2005 में जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फेरर वान को दिया गया था। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं।
आज का जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो है, किसको 31 दिसंबर 2018 तक भारत के G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है हसमुख अधिया, शक्तिकांत दास, सी के मिश्रा, रजत कुमार, अशोक लवासा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग के DEA के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास को G20 में भारत का शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2018 तक की गई है। आए दोस्तों आज का 8th क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का जो 8th क्वेश्चन है वो है, कौन संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की पहली महिला राजदूत बनी? हमारे पास ऑप्शन है करेन पियर्स, खदीजा आरिफ, तानसु कर्ट, ग्लोरिया मैक, जोसफ एस्ट्राडा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेन पियर्स इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का जो 9th क्वेश्चन है वो है, किसको मुंबई में आयोजित इंडियन स्पोर्ट्स आनर्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हमारे पास ऑप्शन है किदांबी श्रीकांत, आर अश्विनी, अभिनव बिंद्रा, विराट कोहली, जी साथियान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किदांबी श्रीकांत इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं। देश के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता PV सिंधु को पहले इंडियन स्पोर्ट्स आनर्स पुरस्कार के व्यक्तिगत खेल श्रेणियों में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष किदांबी श्रीकांत और सर्वश्रेष्ठ महिला PV सिंधु को ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 9th क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ शेयर भी जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।